करना और सबको मिलना और सबके साथ केक कट करना, जितने भी अपने हैं जिनके साथ इतने साल गुजारे हैं, तो बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। वो कितना हेल्प आउट करता है, मम्मी इंडस्ट्री में मेरे बाद आई हैं तो नेपोटिज्म उनके लिए, मेरे लिए नहीं। और हम बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते हैं, इलाहाबाद के, प्रयागराज के, छोटे से शहर के लिए, तो हमारे फेवर में वो इतना नहीं आता है। बट होपफुली बहुत जल्दी आए, हम दोनों इतने बड़े हों कि हम एक दूसरे को उतना सपोर्ट कर पाए। आई थिंक सबका होता है 12 बजे अपनी फैमिली के साथ केक कट करना, और हर साल वो यही प्रे करें कि हर साल वो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी केक कट कर रहे हैं, तो मेरा भी बस वही है। मीडिया अटेंशन टचवुड इतनी अच्छी है, कोई मेरी बुराई नहीं करता, सब इतने प्यारे हैं और इतना प्यार करते हैं, तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। सब बचपन से हमें बड़ा होते हुए देख रहे हैं, तो उनका भी एक अटैचमेंट है, तो बहुत अच्छा है और बहुत मज़ा आता है। जैसे ही होगा सबसे पहले आप लोग को पता चलेगा। रियलिटी शो माना जा रहा है, बिग बॉस में भी आने वाली है, तो आपको कभी हम बिग बॉस या फिर कोई भी रियलिटी शो में देख पाएंगे? बहुत जल्दी।
अगर मेरा मन करेगा तो आई थिंक झलक दिखला जा वुड बी एन अमेजिंग ऑप्शन, क्योंकि उसमें डांस है, एंटरटेनमेंट है, आपको अपना फोन छोड़ के जाना भी नहीं पड़ रहा है, घर वालों को भी नहीं छोड़ना पड़ रहा और कीड़े मकोड़ों के साथ भी नहीं खेलना पड़ रहा, तो झलक दिखला जा मैंने अभी तक नहीं देखा। चलो थैंक यू। रोशनी का बर्थडे है एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। रोशनी उसका नाम ही इतना अच्छा है कि बस मैं यही चाहूंगा कि उसकी जिंदगी में भी हमेशा रोशनी बनी रहे और वो खुश रहे, हेल्दी रहे और अपना बर्थडे आज एंजॉय करे। एंड बीइंग अ चाइल्ड आर्टिस्ट आपको भी हम लोग ने काफी बचपन से देखा, रोशनी को भी देखा। अब देखिए कोई चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रहा अब सब बड़े हो गए हैं। चाइल्ड बड़े हो गए हैं। खुशी होती है दोस्तों के बहुत अच्छा लगता है। हम सब एक साथ बड़े हो रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और जब यू नो आपके दोस्त आपको सपोर्ट करते हैं हर काम में तो बहुत अच्छा लगता है। और नो डाउट रोशनी हमेशा मुझे सपोर्ट करती है और मैं उसका करता हूँ और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो मैं चाहूँगा कि ये बॉन्डिंग हमेशा बनी रहे। भाई आप क्या कहना चाहोगे? रोशनी की जिंदगी की रोशनी उसके साथ ही है, हमारे साथ खड़ी है आज, तो मेरे ख्याल से आंटी नोज लाइक द बेस्ट। आंटी मत बोलो, सॉरी डैम। रोशनी की रोशनी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू रोशनी, ऑल द बेस्ट टू यू। भाई किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहे हैं? मेरा भाई मेरी जान, मेरा भाई मेरी जान, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ ऐसे रिस्पॉन्स आते रहे और जब अभी अभी आएगा तो और अच्छा रिस्पॉन्स हम चाहेंगे। आप क्या कहना चाहोगे सलमान सर के साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट? अरे मेरे पास तो शब्द ही नहीं है तो मत पूछा करो क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा बता दीजिए, कितना मेहनत किया है? है ना, बहुत मेहनत की और मैं बस हमेशा प्यार करती थी कि मेरे अभिषेक सिद्धार्थ को, अभिषेक को बड़े बैनर में लॉन्च हो, सो वो मिल गई खुशी, अब इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इधर इधर अशुर जी, यहां पे, यहां पे कैमरा इधर लगे, मोबाइल है वो। हेलो टर्न हो जाइए, ये सेंटर 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 टर्न हो जाइए, इधर टर्न हो जाइए। चलो बाइट कर लो।
बहुत रोशनी है, बर्थडे बैश है, कैसे जानते हैं नहीं नहीं शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं सो सीइंग ईच अदर ग्रो इट फील्स रियली रियली ग्रेट एंड आई कांट वेट टू गो हग हर विश हर एंड जस्ट एंजॉय द पार्टी विद हर आई गेस देयर इज नो ग्रेटर फीलिंग देन दैट बिकॉज आई गेस यू नो friendship is a relation that it's very difficult to retain but if you remain friends with people you've known since childhood it's kind of the best feeling ever you know you feel that connect with them you feel that special relation with them so I'm really really excited and being from the same industry facing the same things as children and growing up in those surroundings I guess that's how we connect yes Absolutely. मैं सस्पेंस नहीं खराब करूंगी मुझे पता क्या हुआ but yes I mean definitely she's done a great job and I'm so proud of her वो इतनी दूर तक आई है फिनाले तक आई है and I just hope the best person wins I guess मैं अगर जाना चाहूंगी तो मैं प्रिपेयर होके जाना चाहूंगी So probably next year you will see me in one. Nothing for now. Thank you. रोशनी के साथ मेरी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है एक तो खुद ही इतनी पॉजिटिव है बहुत ही बबली है बहुत मजा आता है और उसकी मॉम के साथ स्वीटी के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है तो इट्स लाइक अ फैमिली टू मी एक्चुअली रोशनी के पास आके इट्स मोर लाइक कमिंग टू अ फैमिली एंड ऑब्वियसली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पार्टी इट्स बर्थडे पार्टी तो थोड़ा बर्थडे पार्टी वाइब है आज एंड ऑल द बेस्ट टू रोशनी एंड शी ऑलवेज इंस्पायर्स मी शी इज एन अमेजिंग आर्टिस्ट अमेजिंग इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत पसंद है जब भी मैं उससे मिलती हूँ उसके पास बहुत टिप्स होती है मुझे देने के लिए आई एम श्योर आज भी होंगी यार एवरीथिंग इज वेरी गुड वेरी पॉजिटिव आई एम वेरी हैप्पी कि सबका इतना प्यार मिल रहा है इतना सपोर्ट मिल रहा है सो आई एम वेरी हैप्पी प्यार के साथ गाना भी बहुत जाने वाला पता नहीं यार गाना मैं जब मुझे लगता है जब कोई चीज शूट हो जाए ना उसकी बात करो तो ज्यादा मजा आता है तो आई विल हैव लॉट्स टू शेयर वेरी सून रियलिटी शो नहीं बट डेफिनेटली अ शो और रियलिटी शो में अभी देखने के लिए टाइम है नहीं नहीं यार पता नहीं क्यों ये एक मुझे मैंने भी सुना कि गणेशा का पार्ट टू आ रहा है और जिसमें वापस से मैं आ रही हूँ मैंने भी ये सुना बट इट्स नथिंग लाइक दैट मैं फिर से पार्वती तो डेफिनेटली नहीं कर रही हूँ बट कुछ और कर रही हूँ थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे रोशनी यार शी इज एन ओल्ड फ्रेंड तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं उसके बर्थडे में जाने के लिए एक्चुअली आई थिंक उसका 22nd या 23rd बर्थडे है 22nd या सो वेरी एक्साइटेड एंड आई विश हर वेरी हैप्पी बर्थडे मे गॉड ब्लेस हर आज का जो दौर है काफी अपॉर्चुनिटीज है काफी एक्सप्लोर करने की चीजें हैं अभी जितने टीवी सेलिब्रिटीज हैं टीवी आर्टिस्ट हैं बहुत बड़ा मौका मिलता है आप क्या कहेंगे आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है क्या एस्पिरेशंस मैं तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग एक्चुअली मेरी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है परसों ही खली वाली उसका नाम है उससे पहले मैंने म्यूजिक एल्बम बहुत सारी कर ली टीवी भी किए वेब शोज भी कर रहा हूँ
तो जो भी अच्छा काम मिलता है तो आई एम अप फॉर इट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि टीवी करना है नहीं करना, सब जो अच्छा मिलेगा आई विल डू इट. मूवी एक्चुअली बिकॉज ऑफ ब्रह्मास्त्र ज़्यादा जगह पे लगी नहीं है, बट जिन लोगों ने देखी है उनके रिव्यूज तो अच्छे आ रहे हैं, तो OTT पे बहुत जल्दी आ जाएगी. एक्चुअली इट्स अ हॉरर कॉमेडी और अब तो सबको पता चल ही गया है, तो आई वाज प्लेइंग द घोस्ट इन इट. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, धर्मेंद्र जी थे उसके अंदर, राजपाल यादव जी थे, विजय राज जी थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सबके साथ. और तीन पेज का सीन था मेरा धर्मेंद्र जी के साथ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे स्क्रीन स्पेस उनके साथ शेयर करना. जी एक्चुअली बिग बॉस में फिर से तो दोबारा नहीं जा पाऊंगा, आई वाज देयर फॉर लाइक 103 डेज, 3.5 महीने, दोबारा तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन डेफिनेटली कोई और अच्छा वेब शो होगा एंड इफ आई विल बी अवेलेबल आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. थैंक यू. रोशनी और मैंने ऑलमोस्ट साथ में करियर शुरू किया है एंड वी डिड महाराणा प्रताप टुगेदर वेयर शी वाज प्लेइंग माय महाराणा प्रताप्स वाइफ. और हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत अच्छी तरीके से बीता बिकॉज जो स्टार्ट हुई थी ना हमारी हिस्टोरिकल शो से, वहाँ पर एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी हो गई थी कि लोगों को पसंद आ रही थी. बॉलीवुड में तो मैंने कहा है कि मुझे इतना नहीं करना है बिकॉज वो मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे वेब सीरीज और टीवी शोज करने हैं, तो आई एम डूइंग इट, आई एम ग्लैड. लास्ट टाइम में मैंने कहा था बट इस वक्त मैं गरुड़ कर रहा हूँ एंड आई बिलीव कि एक टाइम पर एक अच्छे से काम करो अंटिल अनलेस आप बिग बॉस में जाओगे तो गरुड़ शायद केज्ड हो जाएगा. सो आई वांट कि गरुड़ अच्छे से करो उसके बाद मे बी नेक्स्ट ईयर. सो अच्छा है मुझे टाइम भी मिल रहा है लाइक प्रिपेयर होने का. थैंक्स अ लॉट.